हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग एक बार जल्दी शेयर कर दीजिए, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। हेलो धीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अद्वितीय, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग एक बार जल्दी शेयर कर दीजिए, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की जो क्लास है यार, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे स्पेशल। तो चूंकि रेल परिवहन हम लोग पढ़ रहे हैं, रेल परिवहन में रेलवे स्पेशल पढ़ रहे हैं, मतलब कि चूंकि रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर जो है उसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग रेलवे स्पेशल पर चर्चा करेंगे। और आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसी के आगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे करंट में कुछ बदलाव किए गए उसको पढ़ेंगे, कि हमारे जो रेलवे स्टेशन के नामों में परिवर्तन किए गए, कुछ ट्रेनें चलाई गई, कुछ जगह पे नए स्टेशन बने, तो इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद एक पार्ट और बनेगा जो कि आखिरी पार्ट रहेगा, उसमें जितना भी बचा हुआ चीज रहेगा रेलवे के बारे में, वो सारी चीजें हम उसमें मेंशन कर देंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले देखिए जो कुछ ट्रेनें चलाई गई उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक ट्रेन चलाई गई रामायण एक्सप्रेस, तो देखिए क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, ये ट्रेन आपकी चलाई गई थी 14 नवंबर 2018 को रामायण एक्सप्रेस एक ट्रेन चलाई गई। और इसमें जो है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है क्या, रामायण एक्सप्रेस का मतलब कि रामायण में जितने भी राम से संबंधित जितने भी स्थान है, रामायण में जितने भी स्थानों का वर्णन किया गया है, उन सभी स्थानों तक ये ट्रेन जाएगी। ये शुरू कहां से होगी, तो ये दिल्ली के सफदरगंज, दिल्ली के सफदरजंग रेलवे, दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी। ठीक, दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी, और ये जाएगी कहां तक, ये जाएगी रामेश्वरम तक, तमिलनाडु के रामेश्वरम, जो कि कहां है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामेश्वरम तक ये ट्रेन जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद चूंकि हमने क्या कहा कि रामायण में जितने भी स्थानों का वर्णन किया गया है, उन सभी स्थानों तक ये ट्रेन जाएगी। तो भारत में तो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चल करके रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु तक जाएगी। उसके बाद यही ट्रेन जो है श्रीलंका में भी चलेगी। कहां पे, श्रीलंका में भी ये ट्रेन चलाई जाएगी। तो प्रश्न अगर बन जाए कि जो रामायण है उस पर आधारित जो ट्रेन चलाई गई, उस ट्रेन का नाम क्या है, तो रामायण एक्सप्रेस है। यह ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी, तो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी, तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाएगी, फिर रामेश्वरम तक जाने के बाद श्रीलंका में भी ये ट्रेन चलेगी। ठीक, तो ये चीज है पहली ट्रेन जो हमारी चलाई गई, कब, 14 नवंबर 2018 को। दूसरी ट्रेन जो चली उसी पर, दूसरी ट्रेन जो नई चलाई गई, उस ट्रेन का नाम क्या है, समानता एक्सप्रेस। क्या नाम है, समानता एक्सप्रेस। देखिए जो समानता एक्सप्रेस चलाई गई, समानता एक्सप्रेस आपका जो है 14 अप्रैल 2019 को, समानता एक्सप्रेस आपकी 14 अप्रैल 2019 को चलाई गई। और इस ट्रेन का क्या उद्देश्य था, तो देखिए चूंकि ये कब चलाई गई, 14 नवंबर यानी कि नेहरू जी के जन्मदिवस पर चलाई गई। ठीक, नेहरू जी के जन्मदिन पर चलाई गई कौन सी ट्रेन, रामायण एक्सप्रेस।
उसी प्रकार जो समानता एक्सप्रेस चलाई गई 14 अप्रैल को, ये जो है भीमराव अंबेडकर और बुद्ध, भीमराव अंबेडकर और जो भगवान बुद्ध थे उनसे संबंधित जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों तक ये ट्रेन हमारी जाएगी। कौन सी? समानता एक्सप्रेस। तो समानता एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो कहां से कहां तक चलेगी? तो समानता एक्सप्रेस हमारी देखिए, ये हमारी महाराष्ट्र के दीक्षा भूमि से, महाराष्ट्र के दीक्षा भूमि से चलेगी आगे चैत्य भूमि से होते हुए, ठीक, दीक्षा भूमि चैत्य भूमि मऊ से होते हुए ये कहां तक जाएगी? गया यानी कि बिहार तक ये ट्रेन हमारी जाएगी। तो जो समानता एक्सप्रेस है ये 14 अप्रैल को चलाई गई और भीमराव अंबेडकर और बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल हैं ये वहां जाएगी। और जो हमारी रामायण एक्सप्रेस चलाई गई, रामायण एक्सप्रेस हमारी जो है कहां से कहां तक? दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से लेकर के तमिलनाडु के रामेश्वरम तक चली और श्रीलंका में भी यही ट्रेन जो है चलाई गई। उसके बाद देखिए जो अगला हमारा करंट का पॉइंट था, अगला जो हमारा करंट का पॉइंट था वो एक पॉइंट ये था कि जो है सुरंग के भीतर रेलवे स्टेशन, तो सुरंग के भीतर स्थित रेलवे स्टेशन, एक नया रेलवे स्टेशन बना जो कि सुरंग के अंदर बनाया गया है, ठीक, सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अगर आप लोग न देखे हो तो वीडियो एक देखिए, उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था। जो कि करंट का पॉइंट है इसलिए हम एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा ये सुरंग के भीतर रेलवे स्टेशन बना ये इसका नाम था आपका केलांग रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे स्टेशन है आपका, ये आपका रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो केलांग रेलवे स्टेशन जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। और ये किस लाइन पर है अगर प्रश्न बन जाए कि जो आपका केलांग रेलवे स्टेशन है ये किस लाइन पर है, तो ये आपका बिलासपुर लेह लाइन पर है, ठीक, बिलासपुर लेह लाइन पर स्थित है ये स्टेशन केलांग रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन से बनने से जो दिल्ली और लेह के बीच की दूरी है वो 40 घंटे से घट करके 20 घंटे हो गई, यानी कि दिल्ली से लेह तक की जो दूरी थी, दिल्ली से लेह तक की दूरी जो थी वो 40 घंटे से कितने घंटे की हो गई? 20 घंटे की हो गई। तो दिल्ली से कहां तक? लेह के बीच की दूरी जो है हमारी 20 घंटे की कम हो गई। उसके बाद और देखिए, जब आप इस लाइन पर जाएंगे ना तो यहां पे आपको दो दर्रे मिलेंगे, ठीक, दो दर्रे कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा आपको रोहतांग दर्रा और एक आपको मिलेगा बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक, तो एक आपको मिलेगा रोहतांग दर्रा और एक आपको मिलेगा बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक। तो ये भी आपको किस लाइन पर मिलेगा? बिलासपुर लेह लाइन पर मिलेगा, ठीक। तो ये चीजें थी जो हमने आज आपको बताई। इसी के बाद अगला जो आपका करंट का पॉइंट है देखिए क्या है, वो आपका ये है कि जो रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री बनी थी 6 दिसंबर 2018 को रायबरेली में स्थित मॉडर्न कोच
फैक्ट्री। ठीक, तो देखिए रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री बनी है जहां पे मॉडर्न डिब्बे बनाए जाते हैं, इसको हरी झंडी किसने दिखाई? ठीक, तो इसको हरी झंडी किसने दिखाई? तो रायबरेली में है कब? 6 दिसंबर 2018 को। और हरी झंडी दिखाई है इसको किसने? नरेंद्र मोदी। ठीक, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, रायबरेली में स्थित जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वहां पर जो है उसको उसकी शुरुआत की और उसको जो है क्या किया, हरी झंडी दिखाई। इसी के बाद अगला जो है चीज सुनिए कि चूंकि रेलवे लाइन पर हाथियों का जो है एक्सीडेंट बहुत हो रहा है तो उसके लिए एक योजना चलाई गई थी, तो उसके बारे में सुन लीजिए। मधुमक्खी ध्वनि योजना। ठीक, तो मधुमक्खी ध्वनि योजना एक चलाई गई। तो मधुमक्खी ध्वनि योजना का मतलब क्या हुआ? देखिए हाथी जो होते हैं मधुमक्खियों की आवाज से डरते हैं, मतलब दूर रहते हैं, तो इसीलिए जो है मधुमक्खी ध्वनि योजना जो चलाई गई आपकी, इससे क्या होता है कि रेलवे लाइन के जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन से 600 मीटर की दूरी तक, 600 रेलवे लाइन से 600 मीटर की दूरी तक आवाज सुनाई देती रहेगी मधुमक्खियों की। जब ट्रेन कोई आने वाली रहेगी तो जो रेलवे लाइन है वहां से 600 मीटर की दूरी तक जो है ये ध्वनि सुनाई देगी किसकी, मधुमक्खियों की, तो ताकि जो है हाथी जो है वो ट्रैक पर ना आने पाए। ठीक, तो ये जो शुरू किया गया सबसे पहले आपका गुवाहाटी में शुरू किया गया। और गुवाहाटी कहां का जोन है बताइए, कल हमने बताया था, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, देखते हैं। दीपक, आशीष, अंकित, मोहित, संजय, सुनीता, सोनल, ठीक, बिल्कुल सही जवाब, कल जो हमने बताया था। तो जो हमारा गुवाहाटी है ये आपका पूर्वोत्तर रेलवे है, कौन सा? पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक, तो पूर्वोत्तर रेलवे जो हमारा है, मधुमक्खी ध्वनि योजना जो है सबसे पहले चलाने वाला कौन सा है जोन है, ये हमारा है गुवाहाटी रेलवे जोन या पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो हमारा है, अगला देखिए, इसके बाद जो हमारे रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, ठीक, रेलवे स्टेशनों के जो नाम बदले गए हैं, तो रेलवे स्टेशन के पुराने नाम क्या थे और इसके नए नाम क्या? ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेशन बदला है। कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो था वो अयोध्या रेलवे स्टेशन कर दिया गया, उसी तरह जो इलाहाबाद जंक्शन था उसे प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया, जो हमारा मुगल सराय था उसे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, तो और जो हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था उसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं जो हमारा इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया है। दूसरा फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या जंक्शन कर दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए जो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी
महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। फिर उसके बाद देखिए जो आपका मुगल सराय था, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसके बाद देखिए जो आपका ओशिवारा रेलवे स्टेशन था, क्या ओशिवारा, ओशिवारा रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल करके राम मंदिर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक, तो जो हमारा ओशिवारा रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के क्या किया गया, राम मंदिर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसी तरह एलिफिस्टोन, एलिफिस्टोन, ठीक, या फिर इसको एलिफिस्टोन भी कहीं कहीं कहते हैं, एलिफिस्टोन रेलवे स्टेशन। तो एलिफिस्टोन रेलवे स्टेशन जो था इसका नाम बदल करके प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया। ठीक, तो ये सब जो था। और उसी तरह भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, भोपाल का एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके अटल जी के नाम पर कर दिया, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया। ठीक, तो ये चीज था। तो ये जो हमारे नाम बदले गए स्टेशनों के, वो सारे नाम हमने जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, जो मेन मेन थे वो सारे नाम हमने लिख दिए हैं। उसी तरह एक ब्रिज बना था जो सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल था, जो कि बोगीबील पुल था, उसका नाम बदल करके अटल सेतु रख दिया गया। ठीक, तो ये सब जो हमारे रेलवे स्टेशनों के बदले गए नाम थे वो सारे नाम है। हाँ पंकज, एलिफेस्टोन रेलवे स्टेशन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। सुनील, ठीक है, तो ये चीज था हमारा आज का। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम लोग जो है बोगीबील पुल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और जो रेलवे की और करंट की न्यूज है, ठीक, उन सभी बातों को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और 8 बजे से आपकी लाइव क्लास चलती है। टाइम टेबल मैंने शुरू में लगवा दिया था, आप लोग देख लिए होंगे, तो वही टाइम टेबल आपका रहेगा, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।